रमजान की रौनक पूरी दुनिया में देखी जाती है। यह महीना रहमत मगफिरत का महीना है और कोलकाता शहर में भी रमजान की रौनक देखने को मिलती है। खासतौर पर इफ्तार के बाद लोगों का पसंदीदा जिसे दलीम कहा जाता है, दलीम को रमजान का फेवरेट डिश भी माना जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। आपको बता दें कि दलीम कई रकम की दाल को मिलाकर बनाई जाती है। इसी को देखते हुए जोहराज किचन ने तोपसिया में एक रेस्टोरेंट ओपन किया जिसमें रमजान की स्पेशल डिश दलीम और बिरयानी भी मिलेगी। ये रेस्टोरेंट मौजूद है 60C तोपसिया रोड कोलकाता 39 में नियर गप्तल्ला मस्जिद के पास। तो अगर आप हैं खाने के शौकीन तो जोहराज किचन के दलीम और बिरयानी को जरूर टेस्ट करें। इस मौके पर मौजूद रेस्टोरेंट के ओनर गुलाम रब्बानी, MP नदीमुल हक, मौलाना शफी कासमी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। गुलाम रब्बानी का बहुत बहुत सलाम नमस्कार। और जिस तरह से आप देख रहे हैं आज 19 मार्च 2023 है और कुछ देर पहले ही हमारे हरदिल अजीज MP जनाब नदीमुल हक साहब जो यहाँ पे आए थे और उनके मुबारक हाथों से और हमारे नाखुदा मस्जिद के मौलाना साहब मौलाना शफी कासमी साहब यहाँ मौजूद थे, उन सभी के मौजूदगी में और उनके मुबारक हाथों से मेरे वालिद साहब यहाँ थे और तमाम हमारे घर के सीनियर मौजूद थे यहाँ पे, मोहल्ले के मतलब मौजूद थे यहाँ पे। तो इन तमाम लोगों के मौजूदगी में आज यहाँ पे इस तरह का एक हम लोग का रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ है जिसका नाम आप देख सकते हैं जोहराज किचन एंड रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि एक बार यहाँ आएँ और हमारे खाना को यहाँ टेस्ट करें और हमें दुआ से नवाजें। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरी बड़ी बेटी का नाम जुनैरा है, छोटी बेटी का नाम मझली बेटी का नाम सफ़िया है और जोहरा मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम है। तो जोहरा के नाम भी हम लोगों ने फूड स्पॉन्सर किया तो जोहरा का नाम से मैंने शुरू किया था और इंशाल्लाह ताला रहमान गुलाम रब्बानी का दिल अल्लाह ने छोटा नहीं बनाया, बहुत बड़ा बनाया है। तो इंशाल्लाह ताला रहमान इस जगह में भी आकर आप हमसे मिलिए। मेरे जितने भी लोग हैं, जितने हमको चाहते हैं, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी से गुजारिश है कि जिस तरह से आपने हमको इतने दिनों में दुआ से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है, आज भी आकर मेरे बच्ची को भी इस तरह से यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में आकर हमारे खाना को टेस्ट करके नवाजें, हम लोग को दुआ से नवाजें बस। देखिए सबसे पहले मैं रमज़ान का मुबारकबाद मैं एडवांस में देना चाहूँगा हमारे तमाम मेरे चाहने वाले फेसबुक में और तमाम जहाँ पे हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिसको मैं बहुत ही इज्जत देता है वो आज तक जो मेरे परवरिश में हैं, बड़ों को इज्जत देना, छोटों को प्यार देना, तो उन सभी के इसमें मैं ये कहना चाहूँगा और तमाम चैनल के सब्सक्राइबर्स से फॉलोअर्स से जो लोग आपको चैनल को आगे बढ़ाते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तमाम फॉलोअर्स से, तमाम लोगों से गुलाम रब्बानी को सबको तमाम गुलाम रब्बानी लोगों को एक रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और इंशाल्लाह ताला रहमान ये 12 महीना में अल्लाह ने ये 11 महीना एक ऐसा रखा है जहाँ पे अल्लाह का ये महीना है, इसको याद रखें, ये महीना हम लोग का नहीं है, 11 महीने में से एक महीना जो है रमज़ान का वो अल्लाह के लिए, अल्लाह बस वही बोलते हैं कि मेरी इबादत करो और हमारा जो पूरा गुनाह जो हम लोग जो गुनाह से ऊपर से नीचे हम लोग नपे हुए हैं उसको ये माफ़ी करवाने का ये एक महीना है। तो इंशाल्लाह ताला रहमान मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी, जितने भी मैं नमाज़ें पढ़ूंगा, जितने भी मैं दुआ करूंगा, जितने मैं कुरान पढ़ूंगा, आप सभी के लिए दुआ करूंगा और आप सभी गुजारिश है मेरी और मेरी बेटी के लिए रमज़ान के मुबारक मौके पर दुआ करें। जैसे माशाल्लाह आज हमारा यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है जैसे आप थोड़े पहले आपने देखा था, तो ओपनिंग के बाद में अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला रहमान कल इसको 1-2 दिन के लिए हम लोग इसको बंद रखेंगे ताकि हम लोग अपना जो राशन पानी है उसको ये इंतज़ाम कर लें। करने के बाद में इंशाल्लाह ताला रहमान आज 19 है तो 20-21 इंशाल्लाह 21 तारीख से उम्मीद है, अदरवाइज़ मैक्सिमम 22 तारीख से हम लोग इंशाल्लाह ताला रहमान फुल फ्लेज इसको हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए शुरू करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मेरा जो बुनियादी काम है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, पहले मैं एक सोशल वर्कर हूँ, बाद में मैं अपने चाहने वालों के लिए हूँ। तो सोशल काम में मैंने हमेशा जितने भी अल्लाह ने मुझे हैसियत दिया है, जितने भी मुझे अल्लाह ने मुझे नवाजा है उसके मुताबिक मैं हमेशा गरीब मिस्कीनों के साथ में, गरीब गुरबा के साथ में, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, वो ईसाई हो या फारसी हो या जैन हो, तो उन सभी के मौजूदगी में सभी को मैंने हमेशा जहाँ तक हो सका उनके कांधे से कांधा मिलाकर मैंने खड़े होने का, किसी का छत को मजबूत करने के लिए, किसी का स्कूल का फीस देने के लिए, किसी का किसी को खाना खिलाने के लिए, तो बस उस खाना खिलाने को लेकर मुझे दिल में आया कि अगर मैं इस रेस्टोरेंट करूं और इंशाल्लाह ताला रहमान जो मेरा ख्वाहिश है खुद भी अच्छा खाना और दूसरे को भी अच्छा खिलाना, तो ये ख्वाहिश को मैं एक इस जगह पे लाया हूं और इंशाल्लाह ताला रहमान जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा बेस जो है, मेरा जो फाउंडेशन है, जिस दो कदम पर आप देख रहे हैं जो आज गुलाम रब्बानी खड़ा है, ये सोशल वर्क के ऊपर मैं खड़ा है, जो आज लोग मुझे जानते हैं वो सोशल वर्क के वजह जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह से भी मैं बहुत सारे चीज़ों का भी मैं मीडिया में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो भी मैं करूँगा अल्लाह को खुश करने के लिए करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला रहमान यहाँ से भी मेरा जो सोशल वर्क का काम है इंशाल्लाह ताला रहमान एक नया मोड़ और एक नया दिशा पर जाएगा, इसीलिए मैंने
को मैंने यहाँ का आगाज किया। इंशाल्लाह तआला रहमान, जिस तरह से आप सभी जानते हैं और मेरा भी बहुत वो फेवरेट डिश है और सभी का मैं मानता हूँ सभी का वो फेवरेट डिश है वो हलीम, जिसको हम लोग उसको दलीम कहते हैं। दलीम कहना बहुत ज़रूरी है, दलीम ही इसका राइट नेम है। तो दलीम यहाँ इंशाल्लाह तआला रहमान रहेगा और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि एक बार आएँ और ज़रूर से हमारा ये दलीम को टेस्ट करें। और इंशाल्लाह तआला रहमान मैंने ये भी इरादा किया है कि सेहरी के वक्त में यहाँ पे शाही टुकड़ा हो, फिरनी हो और नहारी हो और साथ में पूरी भी हो। और इंशाल्लाह तआला रहमान उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे भी हैं जो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ। लोग आएंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रखा है। इंशाल्लाह तआला रहमान उसको भी मैं अपने आगे सर्विस में ज़रूर रखूँगा इंशाल्लाह। देखिए ज़ोरा, जैसे मैंने अभी जनाब को जवाब दिया था कि माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, जिसका बड़ी बेटी का नाम जुनैरा है, मछली का नाम सफिया है और छोटी का नाम जो है ज़ोरा है। तो मैंने ज़ोरा को बहुत ये किया है, ऐसा नहीं कि मैं दोनों बेटी को प्यार नहीं करता हूँ, मैं ज़ोरा का नाम इसलिए शुरू किया कि अल्लाह वो बहुत छोटी बच्ची है और अभी कुछ दिन पहले ही उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन से वो गुजरी है, बहुत लड़कर वो सामने आई है। तो इंशाल्लाह तआला रहमान अल्लाह ने चाहा तो इस चीज़ को मतलब कि वो आगे करेगी। और देखिए उन तभी सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले मेरे वालिद साहब हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरी अहलिया है, मेरी 3 बच्ची जो मेरी इंस्पिरेशन है और मेरे भाई है, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप में क्या आंसू है, एक गुलाम रब्बानी को आप जितना सख्त बोलते हुए कभी देखे हैं इसमें आप इसमें डिबेट में, मैं जब भी बोला हूँ बहुत सख्त बोला हूँ, लेकिन जब मेरा फैमिली का बात आता है, मेरा काम का बात आता है तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। और आखिर उन सभी को मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने इतना दिन मुझे मेरे काम को आप लोगों ने सराहा है, मेरी बातों को आप लोगों ने सराहा है। इंशाल्लाह तआला मेरी बच्ची को भी आप लोग दुआ दीजिए ताकि वो आगे बढ़े इंशाल्लाह। देखिए ये एक मेहनत है, ये एक कोशिश है, बाकी अल्लाह ने अल्लाह का जैसा वादा है कि आप मेहनत कीजिए और फ़ायदा नुकसान दौलत शोहरत इल्लत ज़िल्लत सब अल्लाह के दरबार से मिलता है। बस इसी नीयत से मैंने ये शुरू किया है, बाकी तवक्कल तो अल्लाह। देखिए ज़ोरास किचन की तरफ से और ज़ोरास किचन और रेस्टोरेंट की तरफ से आप सभी को रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो एक बात और, साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इंशाल्लाह तआला रहमान जो रमज़ान ऑफ़र रखा है और उस रमज़ान ऑफ़र में हमारे इस यहाँ पे एक हैशटैग ऑफ़र मैंने यहाँ किया है, उस हैशटैग में जिस तरह से हम लोग फेसबुक में हैशटैग करते हैं वहाँ इस तरह से मेन्यू को भी मैंने हैशटैग किया है। उसको मैं ये दे रहा हूँ कि उसमें एक प्लेट बिरयानी इंशाल्लाह, बिरयानी के साथ साथ एक फिरनी, एक ग्लास घोल और साथ में थोड़ा सलाद, इन तमाम चीज़ों का ज़ोरास किचन आपसे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ चार्जेस करेगा। और साथ साथ यहाँ पे हलीम दिया जाएगा, हलीम है यहाँ पे, हलीम का जस्ट ओनली ऑफर जो हमारा इस रमज़ान के लिए वो 40 रुपीज़ है। इंशाल्लाह तआला रहमान आइए, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ात में जो हलीम और जो बिरयानी और जो हम लोग यहाँ सर्विस देंगे आपको इंशाल्लाह तआला रहमान शिकायत का मौका आप लोगों को नहीं देगा। और ज़रूर अगर कोई शिकायत होगा तो ज़रूर आप गुलाम रब्बानी का नंबर में फ़ोन करके बोलिए ताकि जो गलती हम लोगों का रहे उसको हम लोग आगे सुधार सकें और बेहतर सर्विस बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकें। ये अभी हम लोगों का रमज़ान तक का है, आगे तवक्कल तो अल्लाह, अगर अल्लाह ने इसको चाहा तो इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी हम ऑनलाइन सर्विस भी चालू करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये आज इस बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ पर इस ज़ोरा रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के मौके पर हम लोग यहाँ हैं। इमाम साहब हैं, रब्बानी साहब के वालिद साहब ज़ोरा भाई हैं और भी लोग यहाँ पर जो हस्ती सब हैं इलाका के, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुद रब्बानी साहब यहाँ पर हैं। मैं इनको दो बात सिर्फ यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा, एक तो इनकी पहचान सोशल वर्कर से है नो डाउट, लेकिन हर आदमी को देखिए एक हलाल कमाई का ज़रिया उनका एक ठोस होना चाहिए उनके पास। तो आज ये रेस्टोरेंट करके ये जो तिजारत में उतरे हैं ये सुन्नत भी अदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने घर का पेट पालने का और इलाके के जितने लोग हैं उनको भी एक यहाँ पर जायकादार खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगनी इस काम में ये तरक्की करें। जगह बनाने की कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये तिजारत का काम है, लेकिन ये कि अच्छा खाना है, हम इनको बोलेंगे कि अच्छा खाना और क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो इनका रेस्टोरेंट ज़रूर चलेगा। सर आने वाला कुछ मैं यही करूँगा, सबको रमज़ान मुबारक और बहुत इस साल ख़ास करके कोविड के बाद ये जो बला आई हुई थी हम लोग के सर पर तो इस साल उतना नहीं है, तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसी तरह से दुनिया को कायम रखे और जो रोज़ेदार है उनके रोज़ा को आसान करे
ईद को भी खुशी वाली ईद हम लोग के सामने लेकर के आए। ज़ोरा रेस्टोरेंट का यह इफ्तिताह हुआ है और इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही ये तिजारत है, तिजारत के साथ साथ खिदमत भी है। और नदीम भाई ने कहा है कि अगर क्वालिटी मेंटेन होती रहेगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तिजारत आगे बढ़ जाता है। और ख़ास करके होटल का जो तिजारत है, रेस्टोरेंट का जो काम है, बकौल नदीम भाई के कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 6 महीने में इसमें आदमी को पता चल जाता है कि हमारी बिज़नेस कहाँ तक जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका जो है ये बहुत मुस्लिम आबादी वाला इलाका है तोपसिया, और यहाँ जो रेस्टोरेंट खोले हैं इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि चलेगा। और हम लोगों की दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला बरकत दे, रिज़्क़े हलाल अता फरमाए, और लोग यहाँ आए इसके लिए हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इसको लोगों का मर्जा बना दे।